क्लास नाइन, क्लास नाइन लाइन लिख सकते हैं। ये शंकु का हम बता रहे थे, शंकु कौन कौन कौन, सी ओ एन ई, कौन शंकु, आप शंकु लिख सकते हैं, शंकु नहीं, पार्ट टू वीडियो होगा इसका, पार्ट टू, पार्ट वन आप ना देखे तो जा करके देख लेंगे, ठीक है, पार्ट टू वीडियो होगा इसका। हम दो का मतलब कि प्रश्नावली, प्रश्नावली सोलह, प्रश्नावली सोलह यहाँ लिख देते हैं, प्रश्नावली सोलह, प्रश्नावली सोलह का दो नंबर तक हम बता दिए थे, एक का ए और बी और दो का ए बी सी हम बता दिए थे। तीन नंबर में आइए, दो सवाल हैं, इसको हम लोग बनाते हैं पार्ट टू में, इसका कई पार्ट में सर खत्म करेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ओके, कोई हड़बड़ाना नहीं है। तो आइए देखते हैं नंबर तीन, तीन का एक बोल रहा है, तीन का एक बोल रहा है, ये भारतीय भवन का बुक है सर, आप देख सकते हैं, बोला शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे हैं, नहीं पूर्ण पृष्ठ बोला है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का लिखे हैं, यदि उसके त्रिज्या तीन और ऊंचाई चार हो, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे हैं, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे हैं, यदि उसका त्रिज्या मतलब कि आर कितना दिया गया है, तीन सेंटीमीटर और ऊंचाई एच इक्वल टू चार सेंटीमीटर, यही दिया गया है, चार सेंटीमीटर पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं, एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक होता है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं क्या होता है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप यहाँ पे शंकु पार सकते हैं, शंकु आप इधर पार सकते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, देखिए ये शंकु है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया होगा, आर आर ये होता है ओसी, आप नाम दे सकते हैं एओसी, ओसी जो है ये आर है इसका, आर ओसी इक्वल टू आर, और आर इक्वल टू कितना दिया गया, तीन सेंटीमीटर, तीन सेंटीमीटर, और एओ, एओ क्या है तो ऊंचाई है, नहीं एओ ऊंचाई है, ये सब का फॉर्मूला वगैरह हम लिखा दिए हैं, आप पिछला वीडियो जा कर के देख लेंगे, नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओके। एओ, एओ कितना है तो एओ एच है, एच का मान कितना है तो चार सेंटीमीटर, एओ कितना है चार सेंटीमीटर, बोला कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु में क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बुड़बक, नहीं शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, नहीं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये वृत्त नीचे वृत्त है ना, तो उसको भी ऐड करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अगर आप इसको कोमा ले लेंगे, अगर इसको कोमा ले लेंगे पाई आर आर क्या बचेगा, पाई आर एल प्लस आर ये बचेगा, नहीं यहाँ पे एल बचा और यहाँ पे आर बचा, आप इसमें मान बैठा दीजिए, होता है यहाँ कितना है पाए, पाए का मान कितना है तो 22/7, एल आर, आर का मान कितना है तो है तीन, तीन एल, एल का मान आप निकालिए यहाँ से, एल का मान आप निकालिए, नहीं तो यहीं निकाल देते हम, देखिए L बराबर फार्मूला भी हम लिखा है, आप ना देखे तो देख लेंगे, L बराबर फार्मूला रहता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, नहीं L बराबर फार्मूला होता है यही लिख दिए, अब प्लस R, तो R का मान कितना है तीन, तीन आप यहाँ पे बैठा देंगे, इक्वल ये 22 गुने तीन कर देंगे तो 66 हो जाएगा, 66/7, नहीं ये R का मान आप बैठा दीजिए, आर का मान तीन है तो तीन का स्क्वायर, एच का मान चार है तो चार का स्क्वायर, अब प्लस तीन आप उसको देख सकते हैं 66/7, और ये कितना हो गया था तीन का स्क्वायर हो जाएगा 9, अब प्लस चार का स्क्वायर हो जाएगा 16, अब प्लस ये हो जाएगा तीन,
ये हो जाएगा 66 बटे 7, ये 9 और 16 रूट अंडर में 25 आएगा, 25 और प्लस कितना जाएगा तो 3, यहाँ पे आएगा 66 बटे 7 और ये रूट में से 25 का रूट होता है 5 और प्लस कितना हो गया तो 3। देखिए इधर ले लेते हैं 66 बटे 7 और ये 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया है। आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, 8 × 6 = 48 के 8 हाथ में 4, 8 × 6 = 48 और 4 कितना हो गया 52, 52/7 इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं सही रहेगा, नहीं तो आप डिवाइड करेंगे ये भी आंसर हो सकता है। अगर आप डिवाइड करते तो पूर्णांक में आएगा, चूँकि 7 × 49 बचा 3, 3 × 8 = 38, 7 × 5 = 35, 3 × 3 पूर्णांक 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब, चूँकि आयतन मांग रहा है, नहीं ये स्क्वायर होगा चूँकि क्षेत्रफल है, इतना होगा आंसर आपका 75.3/7, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा था ना, तो इतना आपका आंसर आएगा। ओके सर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 3 का भी देखिए, बोला शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए जबकि त्रिज्या आर इक्वल टू दिया गया 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल एल दिया गया है 15 सेंटीमीटर। नहीं आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दीजिए, अभी हमने बताया कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आप शंकु पार सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा लघु सा प्यारा सा छोटू सा मोटू सा शंकु पार सकते हैं, ठीक है ये शंकु हो गया, इसका नाम भी दे सकते हैं एल एल, ये तिरछी ऊंचाई होता है, ये दिया गया है 15 और ये आर 14, ये ओसी कुछ चीज का नेम ले सकते हैं, ओसी हम ले लिए तो ओसी इक्वल टू कितना हो गया आर और आर इक्वल टू कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ये गिवेन है दिया गया। और एल ए सी है, एल ए सी कितना है एल, एल का मान है 15 सेंटीमीटर, ये अपने मन से ना लिखे हम, ये दिया गया है। अब बोला है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम एस अगर माने, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए टोटल सरफेस एरिया टी एस ए मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर शॉर्टकट में कहें तो क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होता है यही होता है, पाई आर अगर आप कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर आ जाएगा, नहीं एल प्लस आर आ जाएगा, आप सिंपली इसका मान बैठा देंगे आपका आंसर दौड़े दौड़े पहुंच जाएगा। पाई का मान कितना है तो 22/7 और आर का मान कितना है तो 14 मतलब 14, इंग्लिश हम भी जानते हैं सर, एल का मान 15 और आर का मान है 14, आप इसको बैठा सकते हैं, ए आप काट दीजिए नहीं तो काट ही लिख सकते हैं, 22/7 × 14 ये 15 और 14 जोड़ दीजिए ये 29 आ जाएगा, आप 7 से काटेंगे तो ये नूनू नियर दो बार में कट जाएगा, या 22 × 2 कीजिए तो 44 आ जाएगा, नहीं 45 में 2 कम, पहले हम लोग की मम्मी बोलती थी 45 में 2 कम, कितना आलो नूनू तो 50%, नहीं 53%, कितना 50 और 3, बोले हाँ 50 और 3। ओके आइए उसी तरह 44 है तो 40 और 4 = 44, ये लोग पुराना जमाना के लोग नहीं समझते थे इसलिए हम लोग अब नए क्रिटेरिया के हैं, ठीक है आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 29 × 44 ये मैं नहीं बताऊंगा, आप 9 क्लास में हैं तो ये आपको आता होगा, नहीं आता है तो आपको पीटू पीटू कर देंगे, ठीक है 9 × 36 = 6, 9 × 36 = 3, 39 और 44 दोनों 88, आप इसको जानते होंगे 6 ये आ जाएगा, 8 × 16 = 71 और 8 × 3 = 11 = 12, 1276 आपका आंसर आएगा, 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना है सेंटीमीटर स्क्वायर आपका प्यारा सा आंसर है। ओके सर नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे अगला, आप इतना
देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।